हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो पिक्सल। तो देखो गाइस, अगर आप बैंक में जो भी स्कीम ओपन होती है फिर योजना, उसको अगर बंद करवाना है तो देखो कैसे बंद करवाते हैं। मैं ये बताऊंगा कि कैसे बंद करवाना है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर मैनेजर बोलता है, बैंक मैनेजर बोलता है कि आप एप्लीकेशन लेके आओ बोलते हैं, तो कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है, मतलब जो भी स्कीम बंद करवाने, जो भी हो कुछ भी जो स्कीम उसको आपको क्लोज करना है तो कैसे बंद करोगे, मैं इसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको लिखना है करके। देखो ये एप्लीकेशन है, ऊपर आप एप्लीकेशन लिख सकते हो यहाँ पे। एप्लीकेशन है ठीक है, ऐप टू डेट डालना इस साइड में, द ब्रांच मैनेजर आपके जो भी मतलब बैंक हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जो भी हो आपका बैंक ऑफ, तो उसके साथ आपको एड्रेस डालना है बैंक का, ठीक है जिस मतलब लोकेटेड है जिस एरिया में, शहर में, उसका नाम डालना है ठीक है। फिर सब्जेक्ट डालना है टू सब्जेक्ट, क्लोज एंड नेक्स्ट, आप दोनों में से एक डाल सकते हो, क्लोज या फिर नेक्स्ट ठीक है। फिर आपका योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना स्कीम। अगर आपके पास ऐप पे अगर अदर कनेक्टेड स्कीम है जुड़ी हुई तो आप भी डाल सकते हो कॉमा डाल के, जैसे APY अटल पेंशन योजना स्कीम उसको बोलते हैं, तो ये भी अगर आपको साथ जुड़ी है तो वो भी डाल सकते हो कॉमा डाल के ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है ठीक है, अबे सर या फिर मैम ठीक है, दोनों डाल देना अपने हिसाब से। फिर काइंडली क्लोज PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ठीक है, फॉर्म माय अकाउंट नंबर से ठीक है, अकाउंट नंबर पर है, जैसे हैज़ ड्यू टू द फाइनेंशियल रीज़न आई एम अबल टू द पे और कंट्रीब्यूट फॉर द स्कीम, काइंडली रिफंड माई अकाउंट इफ पॉसिबल ठीक है। अगर आपके अकाउंट में अगर पॉसिबल होते जो पैसे, अगर समझ लो अगर आपने बीमा के पैसे काट लिए, तो अगर आपको रिफंड अगर देना चाहता है बैंक तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली रिफंड किया जाएगा, अगर करता हो तो, अगर जमता हो तो करेगा ठीक है, वो बैंक पे डिपेंड रहता है। फिर नीचे आ जाना है ठीक है, ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ठीक है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो या फिर लिख के पेज पर लिख सकते हो ठीक है। फिर विद रिग्रेट यहाँ पे अपने सिग्नेचर मारना, यहाँ पे अपने सिग्नेचर मारना जो भी अपने सिग्नेचर है ठीक है। फिर उसके सिग्नेचर के नीचे आपका नाम होना चाहिए, फिर अकाउंट नंबर के नीचे आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, फिर आपका फुल एड्रेस होना चाहिए, फिर अटेस्टेड जैसे सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड भी आप डाल सकते हो, या फिर पासबुक भी आप डाल सकते हो ठीक है। तीनों में से भी आपको देना ही चाहिए ठीक है, कभी कभार मतलब आधार कार्ड भी चल जाता है, बट आप तीन ही डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए ठीक है। तो आप ये जो पहला पेज में आपको ये फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको उसको बैंक मैनेजर पे जो भी बैंक है उसमें जाके आपको देना है ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में उनको बताना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।